ये व्यस्त थे, लेकिन सब लोगों ने कहा कि किशन बाल गुर्जर नहीं आएंगे तभी हम यहाँ से चलने का काम करेंगे। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज की इस नॉमिनेशन की सभा में हम सबका उत्साह वर्धन करने के लिए आए हुए हमारे हरियाणा के बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में केंद्र में वरिष्ठ मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई राजकुमार वोहरा जी, हमारे फरीदाबाद के वर्तमान में विधायक भाई नरेंद्र गुप्ता जी, आने वाले विधायक भाई विपुल गोयल जी, हमारे तिगांव के वर्तमान विधायक और भावी विधायक भाई राजेश नागर जी, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे भाई गोपाल शर्मा जी, मंच पर बैठे हुए पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और हमारे प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने के लिए आए हुए सभी आदरणीय भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, क्योंकि समय हो गया है भाषण को, अब इसके बाद चलेंगे आपके बीच में। मैं आप सबको एक निवेदन करना चाहता हूं, देश के हालात भी आपको मालूम है और प्रदेश के हालात भी आपको मालूम है। 10 साल पहले हरियाणा की क्या स्थिति थी और देश की क्या स्थिति थी आपसे छुपा हुआ नहीं। विकास और रोजगार सिर्फ कुछ जिलों तक सिमट कर रह गया, लेकिन जब इस देश प्रदेश की बात को आदरणीय मनोहर लाल जी ने संभाली और ये तय किया, ये संकल्प लिया, हरियाणा एक हरियाणवी एक, तो विकास हो या रोजगार हो, हरियाणा के एक कोने से दूसरे कोने तक ईमानदारी के साथ जो काबिल थे उनको रोजगार दिया गया और विकास से कोई कोना हरियाणा का अछूता नहीं रहा, बगैर किसी भेदभाव के। अब मैं केंद्र में 10 साल में हुआ उसकी चर्चा आज नहीं, फिर अभी लोकसभा में की थी, फिर अभी आने वाले समय में करें। देखिए आज दुनिया में भारत का जो रुतबा बना है, भारत आर्थिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर जो मजबूत हुआ है, ये सब आपके सामने है। और मोदी और मनोहर जी की सरकार इस देश के किसानों और गरीबों को समर्पित सरकार कहलाई, उनकी हर योजना में गांव गरीब और किसान नजर आता है। देश 11वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बन गया, बहुत जल्दी तीसरी ताकत दुनिया की बनने वाला है अमेरिका, रशिया और भारत। अगर आप चाहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली भारत बने, आप चाहते हैं कि हरियाणा का विकास और तेज गति से हो, तो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार जैसे आप लोगों के आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, ऐसी ही सरकार हरियाणा में भी नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार बनाना आप सबका हमारा धर्म है। और मुझे यकीन और पूरा विश्वास है मित्रों, ऊपर मोदी को देखना और कमल को देखना, किसी को मत देखना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
एक और एक 11 होते हैं ना। केंद्र में मोदी जी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, केंद्र में आपने मुझे भेजा है और प्रदेश में भाई विपुल और राजेश को भेजेंगे, तो हम सारे भाई मिलके फरीदाबाद का ऐतिहासिक विकास किया है और करेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। और मुझे उम्मीद, इन्हें यकीन है कि पिछली बार तो 10 में से 7 और एक हमारा आजाद उम्मीदवार 9 में से 8 जीते थे। आज मनोहर जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, तमाम कार्यकर्ता फरीदाबाद के लोगों की तरफ से, इस बार 9 में से 9 फरीदाबाद लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी जीतकर आपके हाथों में सबको सौंपेगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।